हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स, और थोड़ा सा मेरा आपको पढ़ाना रॉ लगेगा बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट आप ही की तरह एक एक्सपीरियंट रहा हूँ। और 2009 से लेके 2019 तक मैंने 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है। सारे अटैम्प्ट नहीं दिए बट बीच बीच में देता रहा, लाइक 2009 दिया, 10 दिया, फिर 14 दिया, 15 दिया, और उसके बाद 18 भी दिया, 19 भी दिया। तो नहीं हो पाया, नहीं लिखा था होना, बट ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड तक कई बार पहुंचे बट समहाउ कुडंट गो थ्रू। और तो वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ, क्या गलतियां हमने की, क्या गलतियां से आप कुछ सीख सकते हो। न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं बेसिकली अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, और न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा थोड़ा सा, मतलब जो लोग करा रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहे हैं, बट आई थिंक मैं भी जो, मतलब जब तैयारी करता था तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि यार न्यूज़पेपर से इतने क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे हम क्वेश्चंस को पिक कैसे करें कि हाँ यार न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, प्रीलिम्स कई बार दिया है, करा है थ्रू, तो इसलिए हमें मतलब अब मैं अगर जनरली भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो वही अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल, तो आई होप आपको अच्छा लगे। इसमें सबसे बड़ी बात आपके साथ ये नहीं होगा, मैं आपको ये कहूँगा कि ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेना, वो सब मैं ही करूँगा। आई विल मेक श्योर कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज़ कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट्स भी दूँ कि हाँ ये इसके चीट कोड्स बनते हैं, या ये इसके साथ आपको ये नॉलेज और, ताकि आप उसमें आप नोट्स बना लें। मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप, जैसे अगर आप इसके थ्रू जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़िए, न्यूज़पेपर तो मस्ट है, क्योंकि देखिए फॉर्डर पॉइंट्स फॉर मेंस वो हमें वैसे भी मिल जाते हैं बाय योजना, कुरुक्षेत्र और मैगजीन्स। प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, मतलब आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बट मैं ये इंश्योर करूँगा कि कई बार हमें पता नहीं चलता है पढ़ते हुए कि यार हम जब क्वेश्चंस आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पेपर का, तो पता चलता है यार ये क्वेश्चंस जो हैं ये लिखा तो हुआ है कि करंट अफेयर्स से आया, बट ये करंट अफेयर्स में हमने कहाँ मिस कर दिया उसको। तो मैं अब आपके लिए वो लेके आऊँगा कि ये चीज़ को कैसे आपने पिक करना है, और वो आपको नहीं बताऊँगा मैं करके दूंगा आपको। आई विल गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स जो जो हम जैसे हम करा करते थे कि कैसे इसके अंदर से, और ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का बताऊंगा, मेंस का भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा कि ये इसको आप नोट कर लीजिए ताकि ये फॉर्डर पॉइंट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन ऐड दिस पॉइंट, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा आइसिंग ऑन अ केक हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये, हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में आपको रोज़ ये इंट्रो मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स आए उनको पता चले ये चैनल व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो आई होप आप पसंद करेंगे, और एक ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आपने लाइक करना है, डिसलाइक करना है वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना है वो आपके ऊपर है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जाके ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप, गंदा लगा है तो थम्स डाउन, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़ ये, मतलब अगर आप जो, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप अगर, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये कर सकें कि आप ये एटलीस्ट थम्स अप थम्स डाउन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप, नहीं लगे तो थम्स डाउन। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का। हाय गाइस, हाउ यू? सो टुडे इज 7th January, तो आज देखते हैं कि आज ये एक पेज वन पे आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली स्टे देने से मना कर दिया है जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उनके, उत्तराखंड यूपी के, ऐसे एक एमपी का भी है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम इंटरव्यू, दोज हु आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, दोज हु विल गो फॉर इंटरव्यू, उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीलिम्स वालों के लिए थोड़ा ज़रूरी नहीं है, जब मेंस में इसके हिसाब से क्वेश्चन, इसके हिसाब से एडिटोरियल्स आएंगे उसमें से कुछ देखने वाला है। ये भी आप एक फॉर्डर यूज़ कर सकते हैं इसको, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट अभी, क्योंकि हमारा मेन फोकस इज़ माय ऑन प्रीलिम्स, तो मैं भी आपको उसमें बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये देखने वाली बात है कि जैसे जब ये आता रहता है ना, तो थोड़ा सा उसको ब्रश अप करते रहा करिए, क्योंकि ये उस टाइम याद नहीं आता है जब, क्योंकि बहुत टफ ऑप्शंस दी जाती हैं। तो राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिबर्टी, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 21, और राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस वाज पार्ट ऑफ एन एडल्ट्स प्राइवेसी, ये हमारी प्राइवेसी का मामला है।
तो ये थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा, कई बार ये राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस कम्स अंडर, मतलब दो तीन ऐसी टफ ऑप्शन दे सकते हैं, लिबर्टी ये वो, तो थोड़ा सा इसका पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए जो मैंने लिखा है। देन अभी एक आपने देखा होगा तमिलनाडु ने कहा कि हम फुल कैपेसिटी के साथ वो चलाएंगे तो थिएटर्स वगैरह, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मतलब ये अपना होम सेक्रेटरी ने लिखी है एक लेटर टू चीफ सेक्रेटरी कि इट इज़ अ डायल्यूजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो इसका ये थिएटर का कोई रूल देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ ये आया था पेज वन पे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है लेट्स सी। ये एक्चुअली बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बना था वो 2005 में बना था और इट केम इन टू फोर्स इन 2006। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें मैं बता देता हूँ, इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट होनी थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की NDMA, ये याद रखिएगा, इसके चेयरपर्सन इज प्राइम मिनिस्टर। कई बार ये क्वेश्चन आया है और ऑप्शन में होम मिनिस्टर दिया होता है तो पीपल गेट्स कंफ्यूज कि ये प्राइम मिनिस्टर है ये होम मिनिस्टर है, ठीक है। और ये चलो इतना जरूरी है कि कंस्टिट्यूट अ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, बट पढ़ लीजिए लिख लीजिए ताकि वो देखते रहेंगे तो याद रहेगा, बट मेन जो इसमें याद रखने का, ये 2005 में एक्ट आया था, ये फोर्स में आया था जनवरी 2006 में, इसके अंडर नेशनल NDMA बना था वो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैंडेटरी था कि ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाना, और उसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है CM। अब इसमें पावर्स क्या हैं, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉ इन्फोर्स, मतलब कोई भी स्टेट में या कोई भी कहीं भी जगह कोई फोर्स मतलब कोई लॉ चल रहा हो तो उसको ये ओवररूल कर सकता है, ठीक है। और एनी सच डायरेक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड NDMA मस्ट नेसेसरीली बी फॉलोड बाय द यूनियन मिनिस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, तो कंपल्सरी होता है ये, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा इसको। और आज एक एडिटोरियल पे थोड़ा इंडियन ओशन कमीशन इन सब के बारे में आया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो टॉपिक था बूस्टिंग इंडिया विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, तो उसमें जो थोड़ा सा देखने वाला है वो है कि तो ये पॉइंट है इंडियन ओशन प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, मेंस वाले इंटरव्यू वाले थोड़ा इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, थोड़ा अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया हुआ है हमारे डिफेंस पोजिशन को, बट प्रीलिम्स वालों के लिए क्या ज़रूरी है, इंडियन ओशन कमीशन, और एक यहाँ लिखा हुआ है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इस पे क्या नोट्स बनते हैं वो देखते हैं। इंडियन ओशन कमीशन क्या है कि इट इज़ बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1982 में क्रिएट हुआ था, इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था 1984 में। ये देख लीजिए किसके अंडर बना था, विक्टोरियन एग्रीमेंट इन सीशेल्स, विक्टोरियन अग्रीमेंट इन सीशेल्स, इसकी कंपोज्ड ऑफ फाइव अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशन से बनता है ये, कॉमोरोस मेडागास्कर मॉरिशियस रीयूनियन, रीयूनियन एक ओवरसीज रीजन है फ्रांस का, ये ना सोचिए फ्रांस जितना है उतना ही है, कई बार आपके दूर दूर रिलीजन रीजन्स भी होते हैं जिनको आप आपका स्वामित्व होता है उस पर, एंड सीशेल्स। और इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कैसे है, ये अफ्रीका का मैप है देख रहे होंगे आप, ये रिलीजन है कॉमोरोस सीशेल्स मेडागास्कर रीयूनियन मॉरिशियस, ठीक है, देख लिया होगा आपने, पॉज करके देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यार ऐसे तो हमें पता नहीं कितने कमीशन ये सब ऑर्गेनाइजेशंस याद रखनी पड़ेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया को इन 2020 इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों मिला है ये कई बार आ सकता है कि इंडिया को कैसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फ्रांस एज वेल एज इट्स एक्सपैंडिंग टाइज विद द वेनेला आइलैंड्स, ठीक है। ये कई बार दो तीन ऑप्शंस आ सकते हैं कि इंडियन ओशन कमीशन के बारे में कि ये कब हुआ था, किस अग्रीमेंट के अंडर हुआ था, कौन कौन सी इसकी कंट्रीज नेशंस हैं, नेशंस इसके मेंबर्स हैं, इंडिया को मिला या इंडिया को क्यों मिला, क्या वजह थी, दो तीन ऑप्शन करके। इसकी ऑलरेडी फोर ऑब्जर्वर्स हैं, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, माल्टा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोनी है। अभी सागर आया हुआ था तो इसको देखते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये हमारे मोदी जी ने दिया था टीम टर्म 2015 में जब वो मॉरिशियस गए थे, तो बेसिकली उनका फोकस जो था वो ब्लू इकोनॉमी पे था, और इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो चाहते हैं कि इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में उनकी हमारी पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, बेसिकली ये था, और इट इज़ इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन।
अब ये चीज़ है तो ऐसे ही बनते हैं नोट्स, ये नहीं होता कि डायरेक्ट कुछ दे रखा होगा कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये वो सब न्यूज़पेपर में, ऐसे नोट्स बनते हैं कि जैसे इंडियन ओशन कमीशन दिया हुआ तो उसके बारे में पढ़ो, सागर दिया हुआ तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ो, सागर पढ़ा तो सागर में एक लाइन आई कि ये इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इट इज़ इन लाइन विद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कभी पेपर उठा के देखिएगा या लास्ट ईयर के पेपर्स देखिएगा और उसमें या नेट पे सर्च मारना इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, देन विल गेट टू नो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं इन चीज़ों पे। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आप जस्ट पॉज करके इसको देख सकते हो या नोट्स बना सकते हो। बेसिकली 1997 में बना था, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका मेन पॉइंट क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन रीजनलिज्म। ओपन रीजनलिज्म का मतलब होता है कि हमें इकोनॉमिक कॉपरेशन चाहिए, ट्रेड फैसिलिटेशन की ज़रूरी है, प्रमोशन और सोशल डेवलपमेंट चाहिए रिलीजन की, रीजन की। और इसमें थोड़ा सा मेंबर्स देखने वाली बात यह है कि इंडिया है मेंबर, ये याद रखिएगा, बना 1997 में था, इंडिया मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, ईरान है, ये सब हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसको बस थ्रू हो लीजिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक आज 12th सेंचुरी पोइट फिलोसोफर बसवेश्वरा जी के बारे में आया हुआ है, लॉर्ड बसवेश्वरा जी भी बोलते हैं इनको। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, न्यू अनुभव व मंटपा, टीचिंग्स ऑफ बसवेश्वरा एन आइकॉन ऑफ वीरेश्वर लिंगायत कम्युनिटी, 12th सेंचुरी अनुभव मंटपा ऑफन रेफर टू एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे वेरियस फिलोसफर सोशल रिफॉर्मर्स आके डिबेट्स सेल करते थे। इस पर चालुक्य स्टाइल का आर्किटेक्चर होगा इनकी, बेसिकली ये बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट, येद्यप्पा जी बना रहे हैं। बट इसमें हमें इस न्यूज़ कॉलम से हमें सिर्फ जो मिलता है, इट इज़ इन इज ऑन पेज 8, इसमें से सब हमें मिलता है, तो ये मिलता है कि जो अनुभवा मंटपा था वो ऑफन रेफर टू एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस पे आता है नोट्स काम में, अब नोट्स में देखते हैं इसके बारे में हमने क्या बनाया है। देखिए जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडियन हिस्ट्री में तो दो सेक्ट्स थे बेसिकली, वैष्णविज्म जो विष्णु जी को मानते थे, शैविज्म जो शिव जी को मानते थे। तो बसवेश्वर जी जो थे वो 12th सेंचुरी फिलोसोफर कह सकते हैं, पोइट कह सकते हैं, लिंगायत सेंट कह सकते हैं, और उनका शिवा वो शिवा शैविज्म में थे, शिवाइट थे वो, और सोशल काल कर्नाटका में हुए ऑब्वियसली, जब इसमें लिखा ही हुआ है। तो ये कल्याणी चालुक्य या कलाचुरी डायनेस्टी के रेन में रहे, बट जहाँ पे जब ये पीक पे आए, जब दोनों ही डायनेस्टीज में उनके अंदर एक किंग बिजल्ला हुए, किंग बिजल टू, ये याद रखिए किंग बिजल टू के अंडर ये हुए हैं। और कोई लोग कहते हैं कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ लिंगायत्स, और वैसे बेसिकली इनका जो माना जाता है वो कहते हैं कि लिंगायत्स पहले भी थे बट वो ख़त्म हो चुके थे, उसको रिवाइव रिफाइन करने वाले बसवेश्वरा जी हैं। अब इनमें ना थोड़ा सा आजकल आप देख रहे होंगे फिलोसोफर्स जो पुराने रहे, सेंट्स रहे, उनके बारे में क्वेश्चंस कई बार काफ़ी आ जाते हैं। पर्टिकुलर एक जैसे हमारे टाइम में एक बार वो कबीर पंथीज के ऊपर भी आ गया था, कबीर जी के ऊपर आए थे और काफ़ी 4-5 पॉइंट्स थे और उसमें से आंसर निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो थोड़ा सा इनका जो ज़रूरी है ना वो पॉइंट याद रखेगा कि बासवन्ना स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री, जो उनकी पोएट्री थी, जो कविताएँ वो लिखते थे उसको बोलते थे वचनास। इसको याद रख सकते हैं क्योंकि हम भी बोलते ना वचन, मैं वचन देता हूँ, मैं ये हूँ, तो वैसे ही वचनास, उनकी पोइट्री को वचनास कहा जाता था। कई बार पूछा जाता है, कबीर जी का भी पूछा गया था कि उनके जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को नहीं पता, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है, कहते हैं ना जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो जहाँ मतलब जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती वहाँ कवि तक पहुँच जाता, वहाँ कवि पहुँच सकता है, इतनी गहरी सोच होती है उनकी। तो हम लोगों को 12 साल हो गए तो अब ये मत सोचेगा कि फिर खुद क्यों नहीं क्लियर कर पाए, भाई प्री तो निकाले ही हर बार, बस आगे पहुंच नहीं पाए, सब्जेक्ट में इतना स्ट्रांग नहीं थे। जनरल स्टडीज़ आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग, तभी शुरू किया जनरल स्टडीज़ के लिए। अच्छा बसवन्ना जी क्या उन्होंने करा, ये थोड़ा सा पॉइंट्स बना सकते हैं। बेसिकली इन्होंने ही ये इंट्रोड्यूस किया था ईस्ट लिंग का ना, गले में ईस्ट लिंग, लिंग नहीं होता शिवलिंग जिसको कहते हैं, वो उसको वो लगा के और ऊपर थ्रेड बांधा करते थे, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने क्या नाम है, ये सुपरस्टिशन रिलीजन्स, ये सब सुपरस्टिशियस नहीं थे वो, बिल्कुल याद रखिएगा, वो सुपरस्टिशियस सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये सब नहीं थे। एक वो कहा करते थे जो हमारी आत्मा है ना वो ही भगवान है, जो शिव और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, ये याद रखिएगा एक पॉइंट। एक याद रखिएगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिस किंगडम, ही चालुक्य डायनेस्टी में हुए थे, बिज्जल किंग याद रखिएगा, कि उन्होंने एक अनुभवा मंटपा शुरू किया था। अनुभवा मंटपा जो ये अभी आर्किटेक्ट बना चेक्ट बना रहे हैं उसमें भी ये लोग अनुभवा मंटपा दिखा रहे हैं, तो याद रखिएगा अनुभवा मंटपा लार्जेस्ट पार्लियामेंट मानी जाती थी उस टाइम की, और
हर तरह के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के आदमी औरत आ सकते थे, फिलोसोफर्स आते थे, वहाँ पे एंटी डिबेट्स हुआ करती थी। ये याद रखिएगा पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज आप देख रहे होंगे कि एवियन इन्फ्लुएंजा का बहुत आ रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा में प्री वालों के लिए ज़रूरी है, एक तो मैंने कल बताया था पोंग डैम लेक, याद रखिएगा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा। और एक थोड़ा सा माइग्रेटरी बर्ड्स का बहुत आ रहा है, थोड़ा सा माइग्रेटरी बर्ड्स का नोट्स बनाने की ज़रूरत है, मैंने बना ली है। सो ये देख लीजिए कि 10 अक्टूबर 2020 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है हर डे कहाँ पे कब होता है, हर साल ही आना उसने को। बेसिकली जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अलॉन्ग, याद रखिएगा सबसे बड़ी बात, ये शुरू किया था अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये याद रखिएगा कि कौन, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, आप बाद में पॉज करके नोट्स बना सकते हैं अपने भी, बट याद रखिएगा, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ इस टाइम अभी वो सुन लीजिए, नोट्स आप बाद में बना रहे हैं। देखिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे इन्होंने कंजर्वेशन प्लान अपना शुरू किया है। एक्चुअली यहाँ पे हिंदुस्तान वर्ल्ड में 9 फ्लाईवेज हैं, जैसे हमारे यहाँ जीडी रोड है, ये है वो है, तो पक्षियों के उड़ने के 9 फ्लाईवेज हैं, 9 फ्लाईवेज इन द वर्ल्ड, और उन उसमें से एक फ्लाईवे है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट किया है। ओके, अब वो थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है इस पे माइग्रेशन रूट्स कौन कौन से आते हैं, रशिया, बस थ्रू हो लेना है बड़ी, रशिया जो याद करने को मैं बता दूँ कि अच्छी तरह याद कर लेना, जो थ्रू हो लेना है इसको, रशिया, मालदीव, वेस्ट एंड साउथ एशिया, ब्रिटिश इंडिया, ओशन टेरिटरी। जो फ्लाईवे, ये इस फ्लाईवे को क्यों चूज किया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज चोजन अमंग द 9 फ्लाईवेज। इसलिए चूज किया है क्योंकि 90% ऑफ द बर्ड्स माइग्रेटिंग इन दिस रूट, तो उसमें इंडिया, मतलब बहुत सारे फ्लाईवेज हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, जो इस रास्ते से जाते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से जाते हैं, उनमें से 90% लोग जो हैं, पक्षी जो हैं, वो यहाँ से हिंदुस्तान में स्टॉप ओवर करते हैं। स्टॉप ओवर मीन्स रुकते हैं, ब्रीडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, रुकते हैं वो फिर उड़ते हैं। तो 90% सेंट्रल फ्लाईवे से जाते हैं जो, वो इंडिया में रुकते हैं, इसलिए हमने इस फ्लाईवे पे ये कंजर्वेशन प्लान शुरू किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप ये पॉज करके यू कैन रीड कि द प्लान वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 2023। ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट जरूरी है। और एक ये कर लीजिएगा, द शॉर्ट टर्म गोल ऑफ द प्लान इज टू स्टॉप द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन बाय 2027। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट कर रहा है, हर 2 साल में उनको रिपोर्ट देनी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द प्लान एम्स टू कंजर्व द माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स विद इन द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कई बार आ जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर भी इसको करा गया, तो थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी से पढ़ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहीं नॉर्थ तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है टिक कर देना, क्योंकि टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा ज़्यादा जहाँ पे आपकी नज़रें काम कर सकती हैं वहाँ हर चीज़ जरूरी है, पूरा पढ़ के देखिए। आई थिंक इट इज़ कवर्ड, अनुभव मंटपा से कवर्ड, दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड, दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड, दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड, दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड। ओके, और एक गाइस ये मत सोचेगा कि भैया कुछ 10 मिनट के लेक्चर आते हैं तो ये खुद क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। इट टेक्स मी 3 आवर्स टू स्टडी द न्यूज़ पेपर, उसके अंदर से क्वेश्चन निकालना, हर चीज़ निकालना, उसके बाद नोट्स बनाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो डोंट थिंक कि अगर 10 मिनट का लेक्चर आ रहा है तो मैं भी 10 मिनट एक बार पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ा, आपने देखा होगा बड़ी डेप्थ में जो न्यूज़ आती है उसमें से पॉइंट्स उठा रहा हूँ। तो अगर आप 10 मिनट का वीडियो या 15 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझेगा कि मेरी 4 घंटे की मेहनत इसमें ज़रूर जा रही है। इट्स नॉट कि मैं तो आपको कुछ सुनाना या कुछ बताना चाह रहा हूँ, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई लाइटली ले रहा हूँ। मैं लाइटली नहीं ले रहा हूँ, मुझे भी पता है कि बहुत सारे, अगर जब व्यूज़ आने शुरू होंगे तभी तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जब आएंगे, अगर कई बार होता है कि आदमी डिपेंड होना शुरू हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि अगर कोई मेरे पर डिपेंड हो तो मैं गलत काम करूँ कुछ ऐसा। तो ये याद रखिएगा कि मैं बहुत सीरियसली पढ़ रहा हूँ, बहुत डेप्थ में पढ़ रहा हूँ, और अगर जनवरी से बात करी जाएगी तो मैं समझता हूँ जनवरी से बाद आपको न्यूज़ पेपर में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको पता ना हो। उससे पहले के देखिए कुछ क्वेश्चन आ जाए प्रेजेंस में तो मैं नहीं कह सकता, बट जनवरी के बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो जनवरी में हो और वो आप ना कर पाए। दैट्स माई प्रॉमिस फॉर प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, टाटा।